हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम आपको बताते हैं अब फुटिंग का लेआउट कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन की हुई मिट्टी है उसको कंपैक्ट करते हैं रोलर के द्वारा। हमने अपने पूरे एरिया को कंपैक्ट कर दिया है थ्रू रोलर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, ये देखिए, हमने कुछ पीसीसी डाल दी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये हम किस बिहा पे डाला है वो बताते हैं। चलिए, ये देखिए, हमने कॉलम का एक एक लाइन में ये पॉइंट बना लिया है, मतलब जहाँ जहाँ हमारा पीसीसी आ रहा है थ्रू ड्राइंग। चलिए हम ड्राइंग में दिखाते हैं ग्रिड में क्या है, क्या सिस्टम है इसका। ये देखिए, ये मेरी ड्राइंग है। ठीक है, अब ये कॉलम का जो हमने पॉइंट दिया, हमारा ड्राइंग कुछ यूं इस प्रकार है। इस प्रकार हमने क्या किया, एक ग्रिड जो है इसको भी नहीं लिया है, बी ग्रिड का पीसीसी कर दिया, और ये जिस ग्रिड का हमने मार्किंग किया हुआ है ये है सी ग्रिड। ठीक है, अब हमें देखना है इस कॉलम के फेस से, इस कॉलम का, इस कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर की डिस्टेंस क्या है, वो देखिए हमको ग्रिड से पता चल जाएगी। देखा, 6 मीटर 95, यानी 6 मीटर 95 कॉलम के सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमें ये रेफरेंस लाइन किससे मिली, ये जो हमने कटिंग की है लास्ट हुई मिट्टी, उसके आगे एक रोड है, वहाँ से हमें इस पीसीसी का फेस मिला। अगर मैनुअली करना चाहते हैं, हमने तो सर्वेयर से पॉइंट लिया हुआ है, उसके ऊपर ये किया हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया, 3 पॉइंट ले लिया है सर्वेयर से इस ग्रिड का, उसके बाद हमने उसमें सरिया गाड़ दी है। 3 पॉइंट से हमको चौथी पॉइंट आराम से मिल जाएगी। जैसे ये 400 बाई 400 का कॉलम है, हम क्या करेंगे, टेप लेंगे, टेप लेने के बाद 400 mm टेप को लॉक किया, उसके बाद यहाँ से हमने 400 mm पे एक मार्किंग लगा दी। ठीक है, 400 पे एक मार्किंग लगाने के बाद इस साइड से भी हमने 400 पे एक मार्किंग लगा ली, मतलब हमारा एक पॉइंट ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब देखना है कि फुटिंग हमारा क्या है, फुटिंग की साइज़ क्या है। इस फुटिंग की साइज है हमारी 2 मीटर, मतलब कॉलम के सेंटर से 2 मीटर, तो कॉलम के फेस से कितना होगा, कॉलम के फेस से होगा 800। अब हम क्या करेंगे, आठ सौ इस कॉलम के फेस से, इस कॉलम के फेस से अपना 800 मेजर कर लेंगे। ठीक है, आठ सौ मेजर करके हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोबारा हम इस फेस से भी 800 का मेजर करके मार्किंग कर लेंगे। सेम यही कंडीशन इस सरिया से भी है, मार्किंग कर लेंगे और हम इसके चारों तरफ चैनल लगा देंगे, जैसे कि हमने इधर लगाया हुआ है, देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि पीसीसी का टॉप लेवल क्या है, जो भी टॉप लेवल है वो ऑटो लेवल की सहायता से हम कंक्रीट करा देंगे। अब इसके ऊपर हमको सरिया बांधनी है, उसके बाद फुटिंग स्टार्ट करनी है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं हम आपको कि फुटिंग की सरिया कैसे बंधवाई जाती है थ्रू ऑन साइट।